तो कोटा स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यार आज की इस वीडियो में मैं जानता हूँ एक दिन में हम दो वीडियो डाल रहे हैं, ये वीडियो जब आप देख रहे हो कि ये दूसरी वीडियो हो गई जो मैं एक ही दिन में डाल रहा हूँ। यार काफी अच्छी बात है, एक दिन में दो वीडियो आ रही है। ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी हमारी नोट्स टेकिंग ऐप की क्रट बेस पे। अगर कोई और फीचर हमने डालना होगा तब तो आएगी भाई नई वीडियो, वरना अगर आप क्रट बेस पे देख रहे हो तो यार ये लास्ट वीडियो है, बस अगर आपने लॉजिक देखना है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपने वैसे थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में हम डिलीट करेंगे जो भी हमारे पास नोट होगा। तो यार मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारे पास होगा नहीं, मतलब जो भी हम नोट डिलीट करना चाहे, अब वो कैसे करना वो आप मेरे ऊपर छोड़ो और इस वीडियो को चलो यार मतलब स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक URL चाहिए होगा डिलीट नाम का, तो मैं एक URL बनाऊंगा डिलीट और ये एक आईडी भी लेगा। आईडी क्यों लेगा आपको आगे जैसे आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। और ये जाएगा व्यूज डॉट डिलीट पे, नेम दे दूंगा डिलीट और व्यूज डॉट मतलब व्यूज के अंदर कोई डिलीट नाम का फंक्शन नहीं है तो मैं एक डिलीट नाम का फंक्शन सिंपली बना दूंगा। मैं लिखूंगा डेफ डिलीट, भाई सबसे पहले तो तू ले ले रिक्वेस्ट जो तुझे आ रही है, उसके बाद क्या कर मतलब उसके बाद क्या कर, मैंने पता नहीं कि आवाज ही एकदम से चेंज कर दी, छोड़ो यार। उसके बाद तो रिटर्न करते से HTTP response, हाँ ठीक है HTTP response में लिख तेरा ये नहीं करूंगा अभी डिलीट, बस ये उसे रिस्पॉन्स दे। कंट्रोल के दबाऊंगा दोनों फाइल सेव करूंगा, चलता हूँ अपने वेब सर्वर पे, अपने क्रोम ब्राउज़र में जो मैं चला रहा हूँ डिलीट पे चलता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि डिलीट नाम का कोई आपको नहीं, डिलीट के आगे मुझे एक इंट मतलब कुछ भी देना होगा, 5 दूंगा। ये कह रहा है तेरा ये नहीं करूंगा अभी डिलीट, हम मेरा सही चल रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यार नोट के नोट और HTML के अंदर जो डिलीट है ना इसके अंदर मैं दूंगा ये जाएगा URL पे डिलीट नाम के URL पे, कोई भी इसके ऊपर क्लिक करे। ये काफ़ी छोटी वीडियो होगी हमारी और इसके पास भी आईडी होगी, चलते हैं कोई भी नोट पे चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। ये कह रहा है नो रिवर्स मैच डिलीट नॉट फाउंड, नाम गलत लिखा हमने, ये देखो मैंने कहा था ना नाम गलत लिखा है डिलीट हो गया। रिफ्रेश करूँगा सही हो जाना चाहिए भाई, हाँ हो गया सही। अगर अब मैं इसके ऊपर डिलीट पे बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा ये सही चल रहा है और इसकी आईडी भी आ रही है। मैं क्या करूँगा तो देखो अब मैं क्या करने लगा, मैं क्या करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं करूंगा नोट निकालूंगा, जो भी नोट होगा लिखूंगा नोट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर या डॉट गेट, देख लेते हैं गेट के ऊपर चलता है डिलीट। मैं कहूंगा आईडी से कुछ टू आईडी, वो नोट लेके आ भाई जिसकी आईडी से कुछ टू आईडी है और उसे करते डिलीट, उस नोट को क्या करते डिलीट करते। और इफ नोट अगर ये नोट कंप्लीट है, कहूंगा इफ नोट अगर ये नोट सही हो जाता है तो रिटर्न करो, क्या करो रिटर्न करो रीडायरेक्ट कर दो, यूजर को रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ पर रीडायरेक्ट कर दो यार डिलीट ऐसे नहीं, इसे कर दो डिलीट डिलीट पे नहीं मतलब अपडेट पे भी नहीं, क्या था हमारा यार नोट शायद मैं URL पे चलता हूँ। मैं कहूंगा नोट स्लैश और स्लैश जो भी आईडी होगी, मुझे इसे ऐसा एफ स्ट्रिंग लेना होगा और मैं यह करूंगा जो भी आईडी है, जो भी आईडी है। अब देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ मैं जाके रिफ्रेश करूँ डिलीट पे बटन पे क्लिक करूँ, वो भाई साहब ये तो कह रहा है नोट मैचिंग क्वेरी सेट डजंट एक्सिस्ट, तो मुझे क्या करना होगा शायद मुझे यहाँ फिल्टर करना होगा, लिखूंगा फिल्टर और अब ये सही से चलेगा। ऐसे करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ फर्स्ट नोट को, मैं फर्स्ट नोट अपडेट वाले को यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये कह रहा है नोट्स मैचिंग क्वेरी डजंट एक्सिस्ट। वैसे अब मैंने नोट्स मैचिंग क्वेरी डजंट एक्सिस्ट क्यों आ रहा है, मैंने तो यहाँ फिल्टर कर दिया है। तो ऐसे करता हूँ मैं एक बार सर्वर बंद करके दोबारा चला लेता हूँ पाइथन में एंटर पी वायर सर्वर,
और जैंगो सर्वर दोबारा चला लेता हूँ। फर्स्ट नोड अपडेटेड पे गया, डिलीट के ऊपर क्लिक किया, फिर सेव। ये मुझे यार नोड स्टोर डॉट गेट क्यों कर रहा है यार ये। ओके तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, डिलीट हमारा हो रहा है, हमारा डिलीट हो रहा है, पर ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। ये देखो हमारा डिलीट तो हो रहा है पर हमें ये रिडायरेक्ट, मैं इसे वाइप पर ही कर रहा था, कहाँ पर मैं इसे रिडायरेक्ट कर रहा था, मैं यार उसे वाइप पर रिडायरेक्ट कर रहा था जो इसका पेज था, और वो तो डिलीट हो गया है। तो यहाँ मैं सिर्फ सिंपल कर दूंगा स्लैश, स्लैश का मतलब सीधा वेबसाइट पे। अगर मैं आपको लेके चलूँ तो रिफ्रेश करूँ तो वो देखो फर्स्ट नोट अपडेटेड भी डिलीट हो गया, मतलब वो डिलीट हो रहा है। अगर ये सीमर वाले पे मैं क्लिक करूँ, डिलीट पे बटन पे क्लिक करूँ, मेन पेज पे आ गया और सीमर वाला भी डिलीट हो गया। गाइस तो हमारा यह डिलीट वाला भी फंक्शनलिटी हमने खत्म कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोज के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत बोलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।